नमस्कार दोस्तों, मैं आरके ट्रेडिंग से रवि कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग में। दोस्तों आज तारीख है 15 नवंबर 2018, समय 9:43 हो रहे हैं। प्री ओपन का सेशन खत्म हो चुका है और निफ्टी जो है 4 पॉइंट अप ओपन हो रहा है, यानी 4 पॉइंट गैप अप, यानी कल जहां क्लोज हुआ था उसी के आसपास निफ्टी ओपन हो रहा है। कल की इसकी क्लोजिंग जो थी 10,576 की थी और आज की जो ओपनिंग है 10,580 का, यानी वहीं के आसपास ये ओपन हो रहा है। यानी निफ्टी बिल्कुल अभी नैरो है, ठीक है, नैरो रेंज में निफ्टी है। मैं 10,580 का लेवल यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, 10,580 का लेवल मैंने लगा दिया। अब देखते हैं निफ्टी यहीं पर ओपन हो रहा है, क्या मूवमेंट आता है इसमें। तो दोस्तों अभी निफ्टी बिल्कुल नैरो रेंज में फंसा हुआ है, निफ्टी के लिए पॉजिटिव मूवमेंट तब आएगा जब 10,750 को ब्रेक करेगा तब, ठीक है ना। उसके पहले निफ्टी में भी कोई भी पॉजिटिव मूवमेंट नहीं है। निफ्टी अगर 10,400 के नीचे निकलता है तो फिर ये आपको 10,200 का लेवल बहुत जल्द दिखा देगा निफ्टी। तो ये है दोस्तों मेरा निफ्टी पे व्यू और आज का। और मैंने जो 3 स्टार स्टॉक दिया था दोस्तों, पहला था डॉक्टर रेड्डी, यूट्यूब पे दिया है मैंने, और दूसरा है TCS का, तीसरा है HDFC बैंक का, और 2 स्टॉक मैंने टेलीग्राम पे दिया है जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, उसे भी नोट कर लेता हूँ, टाटा केमिकल और एक है टेक महिंद्रा। तो चलिए देखते हैं ये 5 स्टॉक हैं, 5 में किस में मूवमेंट आता है और कहाँ ये ओपन होता है। अभी समय हो रहा है 9:14:12, मार्केट अभी ओपन होने में 40 सेकेंड बाकी है, तब तक के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। चलिए दोस्तों मार्केट ओपन हो गया है और देखते हैं, इससे मैंने दिया था HDFC बैंक को 1963 के ऊपर बाइंग के लिए और अभी 1960 चल रहा है। हम लोग देख लेते हैं थोड़ी देर वेट करके, कोई हड़बड़ाहट नहीं करना है, आराम से 705 के ऊपर टेक महिंद्रा का बाइंग आएगा और 694 के नीचे सेलिंग करना है। डॉक्टर रेड्डी को दिया है 2460 के ऊपर बाइंग, ये डॉक्टर रेड्डी कुछ सही लग रहा है। निफ्टी बिल्कुल नैरो है, 4 पॉइंट में चल रहा है, 2460 के ऊपर बाइंग दिया है। चलिए देखते हैं डॉक्टर रेड्डी में अगर मिलता है तो मैंने बाय लेने की कोशिश किया है और रिजेक्टेड हो गया, पता नहीं क्यों। अब तो ऊपर चला गया, उस वक्त ठीक ठाक, अब मेरा बढ़ गया ना रिस्क, अब मैं नहीं करूँगा। उस वक्त ठीक ठाक मिल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक जगह मिल भी रहा था। HDFC बैंक 1963 के ऊपर निकलेगा तो फिर मोमेंट आएगा, नहीं तो 1944 के नीचे मुझे इसे सेल करना है। चलिए देखते हैं, डॉक्टर रेड्डी यहाँ देखिए दोस्तों, प्रीवियस जो इसका कल का था 14 तारीख का जो ओपनिंग प्राइस था उसी के आसपास ये अटक रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे ये अटक रहा है। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे अटक रहा है समय पहले, आप लोग देख लीजिए 9:19:54 हो रहे हैं और अभी तक मैंने कोई पोजीशन नहीं लिया है। आपको डैशबोर्ड भी दिखा दूँ, बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल यहीं पे डॉक्टर रेड्डी अटक रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है इसका। मुझे यहाँ पे सही सही मिल रहा था पर वहाँ पे रिजेक्ट हो गया ऑर्डर, पता नहीं क्यों। चलिए वापस से अगर इसको ये ब्रेक कर देना इस लेवल को तो फिर मोमेंट आ गया। ये टारगेट दे चुका है, मेरा पहला टारगेट पूरा कर चुका है, 2472 रुपये का टारगेट दे चुका है। देखिए यहाँ पे से ये अटक रहा है ना, यहाँ से अटक रहा है, ये लगता है इसको पार नहीं करेगा, तो जरा हम इसको का स्टॉप लॉस लगा के सेल कर दिए, थोड़ा सा लेट हो गया इसमें भी, लेट हो गए हैं इसमें भी, थोड़ा सा स्टॉप लॉस सही नहीं है मेरा, मैं इसको 74 पर रखता हूँ। चलिए एक ऑर्डर ले लिया मैंने डॉक्टर रेड्डी में, लेने का रीजन देखिए स्टॉप लॉस हिट हो गया,
स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा 266 का, देखा तुरंत यहीं पे ये अटक रहा है। पिछले कल भी यहीं पे अटक रहा था, इसको पार नहीं किया था कल, और आज भी यहीं पर अटक रहा है। ठीक है, तो यहीं पे एक मोमेंट मुझे लग रहा है ये वापस नीचे की ओर आ सकता है यहाँ से अटक के। चलिए देखते हैं। सुपर वापस से 2475 के स्टॉप लॉस के साथ सेल किया, देखते हैं क्या होता है। अटकता हुआ दिख तो रहा है, ऑर्डर फिर से प्लेस किया है मैंने दोबारा, और अभी ऑर्डर हाँ मिल गया है, ये ऑर्डर मिला नहीं, हाँ अब मिल गया मुझे। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। बिल्कुल कल के रेजिस्टेंस के पास ही आके अटक रहा है, यहाँ पे कल भी इसका रेजिस्टेंस था जो पार नहीं कर पाया था, आज भी वहीं के आसपास ये अटक रहा है, और यही रीज़न है जो मैंने इसे सेल कर दिया है डॉक्टर रेड्डी को। चलिए हम लोग वेट करते हैं, और अगर इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता, पहला तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया 50 क्वांटिटी में आपने देखा, दोबारा अगर इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा पूरा का पूरा ट्रेड से, फिर ट्रेड बंद कर दूंगा। चलिए लॉस कवर हो रहा है, 122 का लॉस बचा मुझे, 122 का 212 हो रहा है, ऑल पोजिशन यही है डॉक्टर रेड्डी में, 50 क्वांटिटी सेल किया। चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी समय 9:22:37 हो रहे हैं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग, मैं रवि कुमार। चलिए फिर जैसे कुछ होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, अभी रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों समय 9:24:30 हो रहे हैं, मैं डॉक्टर रेड्डी में स्टॉप लॉस को मेंटेन कर लेता हूँ, 2472 पर ले आता हूँ उठा के, 2472 थोड़ा सा अपना कम कर लूँगा रिस्क। अभी 112 का मेरा जो लॉस 200 कुछ रुपये का हुआ था 46 का, उसे रिकवर हो चुका है। ठीक है, रिकवर हो चुका है, अभी 114 का लॉस चल रहा है मेरा, मैंने मॉडिफाई करके नीचे ले आया है इसी रेड कैंडल के ऊपर हाई पर बिल्कुल, है ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। निफ्टी 30 पॉइंट अप है, बेचने का रीजन आप लोगों को मैंने बता दिया पहले क्यों मैंने सेल किया है, क्योंकि यहाँ कल भी ये अटक रहा था, यहाँ पर आप देख रहे हैं कल के इसने जो हाई बनाया था बिल्कुल उसी के आसपास आके फिर ये अटक रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से शॉर्ट कर दिया, है ना, आज मैंने शॉर्ट कर दिया इसी जगह। पहला बार में स्टॉप लॉस हिट हो गया था, दूसरा बार फिर मैंने शॉर्ट कर दिया, और देखते हैं अभी 62 का मुझे लॉस हो रहा है, जो लॉस हुआ था पहले उसमें से 144 का प्रॉफिट हो गया, तो टोटल 67 का लॉस मेरा बचा है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग, अब 24 का, अब 40 का प्रॉफिट हो गया, 113 का प्रॉफिट हो गया मुझे, 113 का प्रॉफिट आ चुका है दोस्तों मुझे, देखिए टोटल 50 क्वांटिटी में। तो ये हो गया मेरा जो लॉस लिया था, वो लॉस रिकवर हो चुका है, और 108 का भी प्रॉफिट चल रहा है, 135 का प्रॉफिट चल रहा है, 75 का समय हो रहा है 9:25:54, 188 का प्रॉफिट चल रहा है। चलिए देखते हैं कहाँ तक ये जाता है, मैं जो भी होगा लेके निकल जाऊंगा अपना, कम से कम 2460 मुझे लगता है ये आना चाहिए, 2460। चलिए 228 का प्रॉफिट हो गया, 205 का, 205 का प्रॉफिट चल रहा है, 205 का चल रहा है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके देखिए यहाँ से, अब मैं बिल्कुल इस कैंडल के हाई के ऊपर 2463 है, मैं इसी के पास ला के रख दूंगा, 2463 रुपया 50 पैसा के पास इसे रख दूंगा, 2463.50 पे रख दिया। देखिए अभी मॉडिफाई भी नहीं हो रहा है, मेरा जो लॉ प्रॉफिट हो रहा था वो वापस से 38 रुपया बचा मात्र मेरा प्रॉफिट, तो मैं इसे एग्जिट ही कर जाऊंगा यहाँ से। चलिए मैंने कर लिया एग्जिट, हो जाए एग्जिट, एग्जिट भी नहीं करने दे रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, 113 का प्रॉफिट हो रहा है लेकिन पता नहीं। देखिए 314 का यहाँ प्रॉफिट चल रहा है, 105 का एग्जीक्यूटेड, पता नहीं कितना दिया हमको, नहीं दिया मात्र 38 रुपये दिया, देखिए। ठीक है, तो सारा लॉस रिकवर हो गया दोस्तों, है ना, और प्रॉफिट में भी कटा मेरा सौदा, लेकिन सिस्टम के वजह से जो है थोड़ा सा लेट कटा, नहीं तो मैं अच्छा खासा 200 के प्रॉफिट में था 50 क्वांटिटी में। चलिए देखते हैं कोई दूसरा ऑर्डर मिलेगा तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों समय हो रहा है 9:30 और मैं एक यस बैंक में ऑर्डर लगा रहा हूँ सेल साइड में, ठीक है, सेल साइड में ऑर्डर लगा रहा हूँ, 200 क्वांटिटी को मैं सेल करूँगा इंटर डे में, स्टॉप लिमिट में चलो भाई 211 रुपये
20 पैसे और 211 रुपये 30 पैसे। मैं इसे पहले कवर ऑर्डर में ही कर देता हूँ मार्केट प्राइस पर। आज कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, 213 का स्टॉप लॉस के साथ सेल कर दिया, 200 क्वांटिटी को मैंने सेल कर दिया है यस बैंक को। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसका पूरा का पूरा जो रेंज आ रहा है, इस अगर मैं स्टॉप लॉस थोड़ा सा मेंटेन कर लूँ, देखिए 202 का प्रॉफिट भी हो गया मुझे, ठीक है 202 का प्रॉफिट चल रहा है। ऑल पोजीशन देख लीजिए, दो ही था, यस बैंक में 152 का प्रॉफिट, 38 में मैंने डॉक्टर रेड्डी में लिया। चलिए 172 का प्रॉफिट हो गया यस बैंक में, 172 का प्रॉफिट चला, 182 चल रहा है, 182 चल रहा है, 232 हो गया, 222 हो गया, चलिए 342, 402 का प्रॉफिट हो गया, 402 का प्रॉफिट हो चुका है दोस्तों। समय 9:31:37, 400 का प्रॉफिट चल, 332 हो गया। चलिए देखते हैं, 1% तो आ चुका है मुझे। अगर भी मैं इंट्राडे में लेता तो प्रॉफिट बुक कर लेता, ठीक है, लेकिन मैंने इंट्राडे में तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है, 382 का प्रॉफिट, 412 का प्रॉफिट हो रहा है। और छोटे टाइम फ्रेम पे जरा ले आऊँ, 412 का प्रॉफिट, और मैं यहाँ से एक बार तो अपना प्रॉफिट जरूर बुक करूंगा। यहाँ से मैंने बुक कर लिया, ले लिया, 432 का प्रॉफिट चल रहा है, 432। देखिए अभी स्टॉप काट रहा हूँ तो ऑर्डर भी नहीं कट रहा है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए 412 का प्रॉफिट चल रहा है, काट भी नहीं, कटने भी नहीं दे रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है भाई? पता नहीं ऐसे करेगा तो कैसे उसको करूँगा, उसको रिफ्रेश करता हूँ, हो सकता है तब कुछ पता चल जाए। रिफ्रेश, हाँ एग्जीक्यूटेड हो गया। और ऑर्डर देखिए 352 का प्रॉफिट लिया यस बैंक में, डॉक्टर रेड्डी में 38 का, तो यही दो ऑर्डर था मेरा, ये कंप्लीट हो गया इधर। तभी देखिए तुरंत से मैंने बेचा, प्रॉफिट भी आ गया। हालांकि अगर इंट्राडे में लेता तो मैं रुक जाता इसमें, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करता रहता अगर मैं इंट्राडे में लेता तो।